नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ स्पीडी पब्लिकेशन किताब से जो है आपका बिहार सॉरी करेंट अफेयर्स पढ़ा। ठीक है, आपका ये करेंट अफेयर्स है इंटरनेशनल नेशनल दोनों। ठीक है, जो कि आपका वार्षिकांक 2023 का, जिसमें आपका फरवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का इसमें दिया गया करेंट अफेयर। इसमें हम लोग एमसीक्यू से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपका आज का सेट नंबर 3 होगा, जिसमें आपका टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए सेट नंबर 41 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी द्वारा जारी वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री और स्नेहा जवाले को। 42 है, हाल ही में जारी गूगल की है इन सर्च 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली विषय क्या है। तो ऑप्शन नंबर IPL। 43 आपका कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित विश्व भारत तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 वर्ग में मीराबाई चानू को कौन सा पदक मिला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका रजत पदक सिल्वर मेडल। 44 है, टाइम्स मैगजीन ने किस साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 45 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो 45 का ऑप्शन नंबर के बी साजी को। 46 है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। 47 आपका है, हाल ही में रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस भारतीय स्टेट भारतीय बैंक ने इजी पुरस्कार 2022 जीता। तो 47 का ऑप्शन मर्सी बैंक ऑफ बड़ौदा। 48 है, किस राज्य ने टेक यूर नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत की। तो 48 का सी मेघालय। 49 है, 6 दिसंबर 2022 को भारतीय 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो 49 का ऑप्शन बी मुंबई के आदित्य मित्तल। 50 आपका, हाल ही में किस जो है कंपनी ने जैसलमेर में अपने तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू कर दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अडानी ग्रुप। 51 है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TATFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ऑप्शन नंबर मेघना अहलावत। 52 आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका 40वें स्थान पर। 53 क्वेश्चन नंबर का, सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। 54 है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हंसराज गंगाराम अहिर को। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, तो हंसराज गंगाराम अहिर को। 55 है, हाल ही में सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने करने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को बोस्टन में 2022 के प्रिंस विलियम और द अर्थ शॉर्ट प्राइज से सम्मानित किया गया। तो 55 का ऑप्शन ख्याति को। 56 से, हाल ही में अमेरिका ने किस नाम से अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बम वर्षक विमान को लॉन्च किया। तो 56 का राइट ऑप्शन बी आपका स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर। 57 हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भवानी के CMD किसे नियुक्त किया। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी KV सुरेश कुमार। 58 है, किस देश ने दिसंबर 2022 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता की है। तो 58 का ऑप्शन सी भारत। 59 हाल ही में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो 59 का ऑप्शन बी कैनरा बैंक। ठीक है, 60 आपका है क्वेश्चन नंबर, किस IIT के शोधकर्ता ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया जो समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करने में सक्षम है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर IIT मद्रास। 61 है, भारत में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर। 62 है, भारत और तो आपका जो है 60 तक ही रहेगा। ठीक है, 61 से कल होगा, तो आपका जो है सेट नंबर 4 आपका कल होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।